आज बालानी के अंदर कहावतें आपस के अंदर कहावतों का उल्लेख कर हम लोग बात समझाते हैं। उन कहावतों के अंदर कुछ बात को पकड़ कर करना कुछ, मुंह से बोलना कुछ, क्या ये उचित है या नहीं उचित है इसका फैसला मांगने की चिंता करना। आज मैं कागज के धरती से मांगने की चिंता करता हम लोगों का उद्देश्य क्या है। अगर किसी कहावत के माध्यम से कोई बात समझा ली तो उसके अंदर आज के समय के अंदर जो ट्रोल करना मतलब कि सोशल मीडिया के अंदर किसी को बदनाम करना, वो काम करना और किसी का नहीं, खुद के द्वारा प्रायोजित, खुद के द्वारा सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की बातें करना और मन से बात करना, करना कुछ और बोलना कुछ, क्या इस तरह की राजनीति बाड़मेर के अंदर आप लोगों को स्वीकार करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब आप 26 तारीख को। हाँ, अपने अपने आदर्श होते हैं, उनके भी आदर्श है, हमारे भी आदर्श है। आज उनके आदर्श तन सिंह जी है, स्वर्गीय तन सिंह जी। हम लोगों के मेरा आदर्श रामलाल जी डोकिया। हम उनकी आदर्श की बात करें, उनकी विचार की बात करें, उनकी विचारधारा की बात करें, उन लोगों की आदर्श आरएसएस है जो नागपुर द्वारा चलाई गई है। वो आपस के अंदर इंसान को इंसान के बीच के अंदर खाई पैदा करती है। और हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर, जो इंसान को इंसान के बीच में फर्क नहीं, हर किसी को बराबर का अधिकार। हम लोगों के लिए सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, और आरएसएस के लिए सबसे ऊपर क्या है, मनुवाद। ये बात हम लोगों के बीच में लेकर जाए, जिसके साथ लोग ज्यादा होए, चुनाव के अंदर फैसला उसके पक्ष में हो। हर चीज जो बहुमत होता है वो तय करते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। बड़ी ईमानदारी रखे, जड़ी नहीं, बात फतेह की थी पर बात फतेह की पूरी नहीं थी, वो जड़ी नहीं। आज भी वो ये बात कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निकाला है। ये बात आज इन चुनाव के दरमियान ये कही, ये आप लोगों को फैसला करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की एक टीम के माध्यम से नरेंद्र मोदी और आरएसएस को वोट देना चाहते हो, क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के माध्यम से वोट देना चाहते हो, ये तय आप लोगों को करना। क्योंकि ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये बात करता है कि 36 कौम थे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं वो 36 कौम का बैनर आप कब निकालते हो, किस मकसद से निकालते हो, बाड़मेर की जनता को आप जवाब। सिर्फ जब आपको आवश्यकता पड़ती है, जब आपका संघर्ष होता है, आपका मकसद होता है, उस समय वो 36 कौम का बैनर आप निकाल कर लगाते हो। आषाढ़ी के अंदर जब कोजाराम के साथ अन्याय हुआ, उस दिन वो 36 कौम का बैनर उस पीड़ित के साथ था या उन शोषक के साथ में था, ये मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव मुद्दे पर, चुनाव विचार और विचारधारा पर उस दिन कोजाराम के साथ में नहीं, उसके साथ अन्याय हुआ, उसके बावजूद भी लाठर रहने की बात उस पीड़ित के पक्ष में नहीं रही, उसकी आवाज उसका न्याय कैसे नहीं मिले, उसको दबाने के लिए वो बैनर भी निकला और लाठा लेने का उसका उपयोग उस समय उसने। तो फैसला आप लोगों को करना है इनकी कथनी और करनी के लिए क्या। हमारे खुद के परिवार की जब देवता मेघवाल के साथ जब दुर्घटना होती, एक सेकंड भी उनको मिला कि उस वक्त आकर और वो वहां खड़े थे, एक सेकंड भी नहीं मिला। कभी तकलीफ के अंदर हम लोगों के बीच में आकर खड़े रहे। ये कोरोना हुआ, हम सब लोगों के तकलीफ के दिन थे, उस कोरोना के अंदर बाड़मेर के अंदर आकर कभी वो खड़े रहे क्या, अपन लोगों के बीच में किसी भी संदर्भ में वो खड़े रहे, उसका जवाब है नहीं।
जब टिड्डी आई, 36 कौम के किसान संघर्ष कर रहे थे टिड्डी को रोकने के लिए, कभी वो आकर और उन किसानों के बीच में किसानों के साथ में खड़े रहे, नहीं खड़े नहीं रहे। जब मुद्दे की बात है तो उन मुद्दों की बात करने की आवश्यकता। हाँ, ये बात करते हैं बीएनपी की, और मैं आज ये बात शिव के लोगों के बीच में करना चाहता हूं कि ये बीएनपी की बात किससे करे, ये बात राजस्थान सरकार के सामने रख रहे बीएनपी के। आज हम लोगों के परिवार के बच्चे शिक्षित हो चुके हैं, बाबा साहब अंबेडकर के रस्ते के ऊपर कि शिक्षा एक दूध है। आज उस शिक्षा के माध्यम से हमारे परिवार के बच्चे शेर बन चुके हैं। हमारे परिवार के हर बच्चे को अच्छी तरह से पता है, हमारे परिवार के बच्चों को पता है, हमारे परिवार के बच्चों को पता है कि डीएमपी का फैसला राजस्थान सरकार के पास उसके पास अधिकार नहीं है। डीएमपी का किसी के पास फैसले का अधिकार है तो वह केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास जाकर बात नहीं करी, बात क्या करी, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के सामने, जिनके पास डीएमपी के संदर्भ में कोई अधिकार नहीं है। क्या हमारे बच्चों को नहीं पता? सब बच्चों को पता है, सब शिक्षित को पता है। जब आप लोगों की ताकत से मैं सांसद बना तो उस वक्त फैसला करवाया बीएनपी के संदर्भ के अंदर, बीएनपी के लिए विकास के लिए अगर कुछ आवश्यक चीज है तो वो डेवलपमेंट प्लान है। आप लोगों की जीवित ताकत से उस दिन जो डेवलपमेंट प्लान के अंदर जिन कामों को शामिल किया बीएनपी के इलाके के अंदर, वही काम हो सकते हैं। उसकी चर्चा नहीं करी इन्होंने, सिर्फ बात कर ली डीएनपी, लोगों में यह दिखाना कि डीएनपी मुद्दा होने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। किसके पास है और अधिकार होने के संदर्भ में? कभी अपने परिवार में सच्चाई से बात करी कि होने के संदर्भ के अंदर फैसला किसने किया? हमारे परिवार के बीच में, बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के बीच में कभी आपने इसकी बात करी कि सरकारों के पास अधिकार नहीं है, राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं है, केंद्र की सरकार के पास अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और इनके संदर्भ में? पर कभी भी आपने ईमानदारी से नहीं किया। आप लोगों को दिखाने के लिए या होने की बात करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ये होने का काम आगे बढ़वा। अगर ऑनलाइन के संदर्भ में हमको आगे बढ़ना है तो जो पहला कदम आपत्ति का था, वो आपत्ति लगाने के लिए हम सब लोगों ने आपसे निवेदन किया और कहीं से राहत मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और जिला से राहत नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। पीने के पानी के संदर्भ में आईजीएमपी से राम सर गढ़वा क्षेत्र के अंदर जब स्कीम सैंक्शन हुई थी, उस दिन डीएनपी के कारण वो स्कीम रुक गई। इस मंच में बैठे हुए लोगों का अच्छी तरह से याद होगा, रामसर के अंदर मीटिंग थी, वीर समाज की मीटिंग थी। उस दिन हमारे स्थानीय उस समय के विधायक ने यह बात करी थी कि अब हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा नैप, हम लोगों को जो पारंपरिक स्रोत है उससे काम चलाना पड़ेगा। ये बात आज से लगभग 8-9 साल पुरानी है। उस दिन भी ले रहे हैं, आप लोगों की दी हुई ताकत से हम लोग थके नहीं कि मुद्दा नहीं बनाया, विवाद नहीं बनाया और इसका हल निकाला, नर्मदा से इस इलाके के लिए स्कीम स्वीकृत कराकर और शुरू करवाई, वो आप लोगों की दी हुई ताकत से। तो आप मिलते हैं, मैं आज गागरिया के अंदर आप लोगों ने जब ताकत दी और जब लोकसभा का सदस्य में मैं बना, इस ताकत का उपयोग आप लोगों के लिए, सिर्फ शीतलहर और पाले के संदर्भ में किसानों का फैसला नहीं, फिर एयरपोर्ट के संदर्भ में फैसला नहीं, जो रिफाइनरी इंदिरा गांधी नहर के बाद सबसे बड़ा इस प्रदेश का प्रोजेक्ट था, विपरीत परिस्थिति में उसका फैसला कराकर बाड़मेर जिले के अंदर रिफाइनरी लगाने का,
पर ओबीसी की केंद्र की लिस्ट के अंदर सिंधी मुसलमानों को शामिल करवाने का फैसला आप लोगों की जीवित ताकत से, आप लोगों का सियासत के तौर के ऊपर आप लोगों का उपयोग नहीं किया, वो ताकत के अंदर आप लोग हिस्सेदार और भागीदार कैसे बन सको, उसमें आप लोगों के वोट की ताकत का इस्तेमाल करा और केंद्र सरकार के अंदर ओबीसी लिस्ट के अंदर सिंधी मुसलमानों का लिस्ट के अंदर करा। आज भी दूसरी कौमें संघर्ष कर रही है, आज भी विश्वी समाज संघर्ष कर रहा है, जो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले को आप लोग भी देख रहे हो। माइक के ऊपर टेलीफोन पर बात कर गजेंद्र सिंह जी से ये बात कराई जा रही है, प्यारे साहब उन्होंने आश्वासन दिया, कहीं माइक था, कहीं टेलीफोन था, कहीं आश्वासन था, नहीं, सिर्फ फैसला था कि सिंधी मुसलमान नौजवानों को उनका हक और अधिकार कैसे मिले। आप लोगों के बीच में आकर प्रचार प्रसार नहीं किया, वोटों के अंदर उस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, करते वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया और अगले बार वोट लेते वक्त भी उस चीज के बीच के अंदर बात नहीं करी, पहले सिंधी मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल कराने का फैसला किया।